हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए मैं बताऊंगा अगले 4 मिनट में कोरोना के। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहली गुजारिश, अगर आप पहली बार नए आए हैं YouTube पर चैनल पर, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको बताएंगे हरियाणा के 22 जिलों की कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटों में हरियाणा सरकार के बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा में 1743 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो 1391 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। साथ ही कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,62,000 के पार। रिकवरी रेट में भी सुधार, 91.64% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट, तो 12 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। कोरोना नियंत्रण के लिए अब अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा में कोरोना की जांच के लिए लगाए जाएंगे जांच के शिविर। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। सितंबर महीने में केस कम होने से राहत मिली थी, लेकिन अक्टूबर माह में कई केस सामने आए हैं। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य की कटर सरकार अगले 2 हफ्तों में कैंप लगाकर कोरोना सैंपल इकट्ठे करेगी। इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में सिविल सर्जन को कैंप लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहाँ पर एक और खबर थी, जो कि वैक्सीन को लेकर अफवाह फैल रही थी। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और अफवाह रोकने के लिए सभी राज्यों के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना वैक्सीन के संबंध में गलत सूचना व वैक्सीन की सामुदायिक स्वीकार्यता पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य एक मजबूत संचार व्यवस्था बनाए, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सबसे पहले आप तक हमने पहुँचाई है। फिलहाल हरियाणा में अभी भी 12,191 लोगों का इलाज जारी है। उधर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा में 208 मरीजों की हालत नाजुक है, जिनमें से 175 की सांसें ऑक्सीजन पर, 33 वेंटिलेटर पर मौत जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उधर गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में 498 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। फरीदाबाद में 282 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोनीपत में 102, हिसार में 201, अम्बाला में 24, करनाल में 22, पानीपत में 12, रोहतक में 114, रेवाड़ी में 73, पंचकुला में 26, कुरुक्षेत्र में 35, यमुनानगर में 9, सिरसा में 53, महेंद्रगढ़ में 74, भिवानी में 57, झज्जर में 52, पलवल में 26, फतेहाबाद में 23, कैथल में 18, जींद में 15, नूह में 3 और चरखी दादरी में 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर का आखिरी दिन का सबसे बड़ा धमाका कोरोना को लेकर हुआ है, जो कि 1743 रिकॉर्ड तोड़े इस महीने के कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। वहीं पर ठीक होने वालों में गुरुग्राम से 366 मरीजों को छुट्टी दी गई है, फरीदाबाद से 212 को, सोनीपत से 51 ठीक हुए हैं, हिसार से 213, अम्बाला से 27, करनाल से 17, रोहतक से 78, रेवाड़ी से 62, पंचकुला से 12, कुरुक्षेत्र से 33, यमुनानगर से 12, सिरसा से 47, महेंद्रगढ़ से 48, भिवानी से 37, झज्जर से 44, पलवल से 22, फतेहाबाद से 104 मरीज ठीक हुए हैं। नूह से 1 को छुट्टी दी गई है, चरखी दादरी से 5 ठीक हुए हैं। और वहीं पर मरने वालों का जिक्र करें तो 3-3 मरीजों की मौत है वो भिवानी और हिसार में हुई है, जबकि 1 की मौत अम्बाला में, 2 की मौत गुरुग्राम में और 1 की फरीदाबाद में। कुल मिलाकर हरियाणा में अब तक 1789 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा 246 मौतें फरीदाबाद में है और 135 की मौत हिसार में हुई है। फिलहाल नूह जिले में सबसे कम एक्टिव केस 26 हैं, 96 मरीजों का इलाज अभी भी कैथल में जारी है और 127 मरीजों का इलाज यमुनानगर में चल रहा है, फतेहाबाद में 219 का चल रहा है, 130 मरीजों का इलाज पलवल में चल रहा है। आप सभी से कोरोना से एहतियातन गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क करके हम लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में अब संक्रमण का जो दौर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, कोरोना से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही कोताही है जो लापरवाही हम बरत रहे हैं। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि कोरोना अब चला गया, लेकिन आपके इर्द गिर्द है, क्योंकि हरियाणा में कोरोना के खिलाफ अभी भी जंग जारी है। आप सभी से गुजारिश है, आप अभी भी अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखिए, जरा भी हटाए ना, अपने मित्रों दोस्तों का पूरे परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि सितंबर में जहां पर राहत थी, तो अक्टूबर में बहुत बड़ी मुश्किलें हरियाणा को फेस करनी पड़ी। लेकिन अब नवंबर नए महीने की शुरुआत हुई, तो ठंड और नमी से अब वायरस के एक्टिवेट होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में आप सभी से गुजारिश है, आप अपनी खुद की संभाल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और जब भी घर से बाहर निकलते हैं चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। आप सबका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।